دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراہ ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی، مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبعاه ثم أداه كما سمعه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے درس میں محدثین کی کچھ کاوشیں علم حدیث کے حوالے سے، ان کی محنت، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ یہ عنوان تو بڑا مفصل اور طویل ہے، آئمہ حدیث کی بے شمار خدمات ہیں جو تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہمیں اس بات کا آگاہی ہو جائے کہ یہ جو دین آج ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ ان محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو محدثین کی خدمات میں سے یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شدہ آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو دو طریقوں سے محفوظ کیا۔ ایک تو احادیث اور سنن کو سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور دوسرا طریقہ احادیث اور سنن کو اپنے اساتذہ اور مشائخ سے سن کر اسے لکھ کر محفوظ کیا۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری میں کتاب العلم کے اندر یہ دونوں مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک باب امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ باندھا ہے، باب و حفظ العلم، علم کو محفوظ کرنے کا بیان، علم یاد کرنے اور یاد رکھنے کا بیان۔ تو باب و حفظ العلم قائم کر کے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن کو
सुन कर सीने के अंदर महफूज किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा तरगीब दी थी। 70 से जायद सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिक्र की है कि नजर अल्लाहु इमरान, अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी को तरोताजा रखे, समय मिन्ना हदीसन, जिसने हमसे कोई एक हदीस सुन ली, सुनने के बाद फहफिजहू, उस हदीस को हिफज कर लिया, वबआहू, और फिर उसको महफूज करके रखा, सुम्मा अद्दाहू कमा समयहू, फिर जिस तरह सुना उसने उसी तरह आगे लोगों तक पहुंचा दिया। तो जिस शख्स ने हदीस सुनकर याद की और याद रखी और आगे लोगों तक उसी तरह पहुंचाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये दुआ दी, नजर अल्लाहु, अल्लाह ताला उस बंदे को तरोताजा रखे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है और ये हदीस, इसकी तमाम असानीद को 70 से जायद सहाबा से जो मरवी है, एक ही किताब के अंदर इस वक्त के मदीना के अंदर सबसे बड़े मुहद्दिस और उमर रसीदा शेख और उस्ताद अब्दुल मोहसिन अब्बाद हफिज़हुल्लाह ने एक किताब की सूरत में इकट्ठा कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस और दीगर कई हदीस की रूह से सीनों में हदीसें सुनकर याद रखने का सिलसिला ये आइम्मा हदीस में जारी रहा। और एक एक हदीस का जब पता चलता कि फला शख्स के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, तो लंबे लंबे सफर करके जाकर एक एक हदीस को सुनकर उसको महफूज किया। और दूसरा तरीका हदीस को लिखने का, तो ये जो लिखने का तरीका है इसके बारे में इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाबो किताबातिल इल्म, इल्म को लिखकर महफूज करना। और ये लिखने का दौर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आइम्मा हदीस तक लगातार चला आता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर आपके सहाबा किराम ने लिखा, सहाबा से सुनकर आगे ताबईन ने लिखा, और फिर तबा ताबईन ने, इसी तरह ये आइम्मा हदीस तक सारा सिलसिला पहुंचता रहा। बड़ी मशहूर हदीस है सिलसिले की, अबू दाऊद मुस्तदरक हाकिम जामे व बयान अल इल्म व फजल ही वगैरह में यह हदीस आती है, नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त गुफ्तगू फरमाते थे तो आपकी बातें सुनकर आपके एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो लिख लिया करते थे। कुरैश के लोगों ने कहा कि मुहम्मदुन बशरुन यतकल्लमु फिर रज़ा वल गज़ब, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक इंसान हैं, आप खुशी में भी बोलते हैं और गुस्से में भी बोलते हैं, और तुम हर दो सूरतों में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो लिख लेते हो। मना किया उन्होंने, कुरैशियों ने, अब्दुल्लाह इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की कि कुरैश के लोग ये कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस सहाबी को हुक्म दिया, उक्तुब फवल्लाजी नफ्सो मुहम्मद बियदिही, जुबान के इशारा करके फरमाया, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन, ए अब्दुल्ला तू लिख, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है,
میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو اللہ کے نبی بولتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کئی احادیث کو لکھنے کا حکم دیا، اور پھر صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نبی علیہ السلام کی یاد کی ہوئی احادیث وہ آگے اپنے ایک شاگرد حمام بن منبہ کو لکھوائیں. وہ لکھا ہوا ذخیرہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. میرے اپنے کتب خانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لکھوائی ہوئی یہ حدیث کی کتاب صحیفہ حمام ابن منبہ موجود ہے. اسی طرح سہیل بن ابی صالح اپنے باپ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے جو کچھ بیان کرتے ہیں الحمدللہ میری لائبریری میں وہ بھی لکھا ہوا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ نے جو ان کو لکھوایا وہ بھی محفوظ ہے. تو صحابہ نے بھی لکھا، پھر صحابہ کے آگے شاگرد جو تھے ائمہ حدیث بنے انہوں نے بھی لکھا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم محدث ہیں. امام مالک اور صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. امام مالک حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع عبداللہ ابن عمر کے غلام ہے اور وہ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں. یعنی امام مالک اور صحابی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. تو یہ ایک واسطے سے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، اور امام مالک نے مدینہ کے اندر رہ کر صحابہ کی اولادیں ان کے شاگردوں سے ذخیرہ سن کر لکھا. وہ آج موتا امام مالک کے نام سے مشہور حدیث کی کتاب لکھی موجود ہے. اسی طرح امام مالک کے شاگردوں میں بڑے اماموں میں سے امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی حدیث کا ذخیرہ مرتب کیا. آج دنیا میں ان کی دو عظیم کتابیں معروف ہیں، ایک کتاب مسند شافعی اور دوسری کتاب کتاب العم. کتاب العم میں بھی امام شافعی بہت ساری حدیث انہوں نے لکھی ہیں، اور مسند شافعی بھی ان کی حدیث کی کتاب آج موجود ہے. امام شافعی کے شاگردوں میں بڑے اماموں میں سے امام احمد ابن حنبل ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی مسند حدیث کی کتاب آج بھی دنیا میں چھ پرانا نسخہ چھ جلدوں میں مزید ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ جو چھپا ہے آج وہ 52 جلدوں میں مؤسس و رسالہ والوں نے اس کو شائع کیا. امام احمد کے پھر بڑے شاگردوں میں امام بخاری علیہ رحمہ آتے ہیں. امام بخاری کی کتابوں میں سے صحیح بخاری آج دنیا میں موجود ہے. بخاری کے بڑے شاگردوں میں سے امام مسلم ہے، امام مسلم کی صحیح موجود ہے. بخاری کے شاگردوں میں امام ترمذی ہے، ترمذی شریف بھی ان کی کتاب موجود ہے. بخاری کے شاگردوں میں امام نسائی ہے، امام نسائی کی سنن بھی آج موجود ہے. تو بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں تو 200 سال کوئی 300 سال بعد لکھی، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم وغیرہ سے پہلے جو امام بخاری کے استاد تھے ان کی بھی کتابیں ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس امام بخاری کے استادوں میں سے امام احمد کی مسند بھی موجود ہے، امام اسحاق بن راہویہ کی مسند بھی لکھی موجود ہے. بخاری کے استادوں میں امام علی ابن الجاد کی مسند بھی لکھی ہمارے پاس موجود ہے. امام بخاری کے کئی اساتذہ کی کتابیں آج دنیا میں لکھی موجود ہیں. پھر بخاری کے استادوں کے استادوں کی کتابیں بھی موجود ہیں. مثلا بخاری کے استاد احمد ابن حنبل ہیں. احمد کے استادوں میں ایک اور بہت بڑے استاد امام عبد الرزاق رحمہ اللہ جو یمن کے اندر رہتے تھے صنعاء شہر میں، تو صنعانی کے نام سے معروف ہوئے، پھر عبد الرزاق الصنعانی.
इमाम अहमद इब्ने हंबल लंबा सफर करके यमन में जाकर सनआ में इमाम अब्दुर रज़ाक के पास पढ़ते रहे, और इमाम अब्दुर रज़ाक की तफसीर अब्दुर रज़ाक और उनकी मुसन्नफ 11 जिल्दों में आज भी छपी मौजूद है। इमाम अब्दुर रज़ाक का तज़किरा खुद इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुसनद के अंदर किया है। इमाम अहमद लिखते हैं अपनी मुसनद में कि जिस वक्त हम सनआ में इमाम अब्दुर रज़ाक के पास पढ़ने गए थे तो सनआ में पानी की किल्लत थी, दो दो तीन तीन मील का सफर करके वुजू के लिए हम लोग जाकर पानी लेते थे और वुजू करके आते थे, इतना लंबा सफर करते थे, और ये सारी मुशक्कत हदीस की हिफाजत के लिए की। ये तो मैंने चंद कुतुब का नाम लिया आपके पास, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की किताबों के जखायर जो हैं, जो कई वास्तों के साथ मुरतब किए गए, आज मौजूद है। खुद मेरी जाती लाइब्रेरी में पूरा एक कमरा वो सिर्फ हदीस की किताबों पर मुश्तमिल है। जो तालिब इल्म मेरे यहां आते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता है इसका, तो इसके अलावा जो किबार उलामा है उनके पास तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो एक तो ये अजीम खिदमत है मुहद्दिसीन की कि उन्होंने हदीस रसूल को सीनों में भी याद किया और लिख कर भी दुनिया तक पहुंचाया। फिर एक दूसरी बड़ी खिदमत, जब सहाबा का जमाना था ना, तो सहाबाए किराम तो सारे के सारे आदिल मुत्तकी और परहेजगार थे। ये अहले सुन्ना अहले हदीस का इत्तेफाकी अकीदा है, जितनी हमारे मुहद्दिसीन की उसूल हदीस पर लिखी किताबें मौजूद हैं उन किताबों में यह कायदा आपको मिलेगा कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम सदूकुन अदूलुन, तमाम सहाबा सच्चे और आदिल हैं। और बड़े मुहद्दिसीन में से जिन्होंने उसूल हदीस पर किताबें लिखी, खतीब बगदादी अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबित खतीब अल बगदादी बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं। खतीब बगदादी ने इल्मे हदीस पर एक किताब लिखी है, अल किफाया फी इल्म रिवाया। ये जितने बच्चे हदीस पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए उसूल पढ़ने के लिए बड़ी शानदार किताब है, अल किफाया फी इल्म रिवाया। इस किताब में पूरा एक चैप्टर और उन्वान इमाम बगदादी ने यह मुरतब किया है कि अल्लाह की किताब और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हदीस की रूस है, तमाम सहाबा आदिल है, और फिर आयात और अहदीस सहाबा की अदालत पर लिखी। तो सहाबा पर तो कोई रिवायत बयान करने में एतराज नहीं है। सहाबा के दौर के बाद जिस वक्त मजीद झूठ बोलने लगे लोग और फितना आम होने लगा, फिर आइमा हदीस ने एक और काम किया। वो काम ये था कि कोई भी आकर खबर देता, रिवायत बयान करता, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी रिसर्च करनी थी कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम के वाले से आकर किसी वास्ते से बयान कर रहा है, ये दरमियान में आने वाले वास्ते काबले एतमाद हैं या नहीं है, तो सनद का एहतमाम होने लग गया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की जो सही है, सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मुस्लिम यह बात नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक अलैह रहमा फरमाते हैं, अल इसनादो मिनद दीन व लौल अल इसनादो लकाला मन शाआ मा शाआ। सनद जो है ये दीन का हिस्सा है, अगर सनद ना होती तो जो शख्स जो उसका जी चाहता कह देता। तो जब भी हदीस कोई बयान करता, उससे पूछा जाता मन हद्दसा का, ये हदीस तुम्हें किस बंदे ने बयान की है, तो इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकद्दमा में पूरा बाब बांधा है, बाबो बयान अन्ना इसनादा मिनद दीन,
इस बात का बयान के सनद दीन का हिस्सा है। एक बाब बंदा बाब वजूब रिवायत यानी सिकात के सिका और काबले एतमाद रावियों से रिवायत लेना वाजिब होता है, और एक बाब ये बंदा अन्नाहयो अनिल हदीस है बेकुल मा समेआ कि हर सुनी सुनाई बात जो है वो बयान करने से मना किया गया है। इसी तरह एक बाब बंदा अन्नाहयो अनिल रिवायत यानी जुआफा कमजोर और ज़ईफ रावियों से रिवायत बयान करने की मुमानियत। तो इन बाबों में इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े अजीम मुहद्दिस थे और ख्वाबों की ताबीर में तो बड़े मारूफ माने जाते हैं, इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन सही बुखारी के रावी हैं, ये खुद भी मुहद्दिस हैं, और इमाम मोहम्मद बिन सीरीन की हमशीरा हफ्सा बिनते सीरीन भी मुहद्दिसा हैं। ये दोनों बहन भाई अजीम मुहद्दिस थे, दोनों से सही बुखारी में बहुत सारी हदीस हैं। तो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन अलैह रहमा फरमाते हैं जिस वक्त फितना जो है वाकई होना शुरू हो गया फिर कोई रिवायत बयान करता तो हम ये कहते हैं कि सम्मू लना रिजालकुम, जिन रावियों से तुम रिवायत बयान कर रहे हो ना इनके नाम हमारे सामने बयान करो। और ये भी कायदा बना दिया कि जो शख्स अहले सुन्ना में से होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को मानने वाला होगा और काबिले एतमाद होगा उससे रिवायत ली जाएगी, और जो अहले बिदा में से होगा उससे रिवायत कबूल नहीं की जाएगी। फिर आइमा ने क्या किया, जो लोग इल्मे हदीस पढ़ने वाले थे लिखने सुनने वाले थे हर बंदे की हिस्ट्री महफूज की। यह इस्लाम के अंदर मुहद्दिसीन की एक ऐसी खिदमत है जो पहले जितने नबी गुजर चुके हैं किसी नबी की उम्मत में यह खसूसियत नहीं है। आज दुनिया के अंदर किसी भी पैगंबर की उनके शागिर्दों से बयान करदा रिवायात तो होना सनद के साथ होना तो दूर की बात है, वैसे ही महफूज नहीं है, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात भी मंसूब की गई जिन वास्तों से आई वो वास्ते भी महफूज कर दिए गए। तो हर शख्स की हिस्ट्री लिखी गई, रावी हदीस की तारीख पैदाइश वो किस तारीख को पैदा हुआ, किस इलाके में पैदा हुआ, उसका नामो नसब क्या है, पैदा होने के बाद जब वो बड़ा होता है उसको उसके वालिदैन और घर वालों ने किस मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा है, किस उस्ताद के पास बैठकर उसने पढ़ा है और कौन सा फन किस उस्ताद से हासिल किया है, और फिर जब वो मुख्तलिफ दीन के फनून पढ़कर फारिग होता है, फारिग होने के बाद वो मसनद लगा के बैठा उससे पढ़ने वाले कौन कौन से लोग थे, फिर वो शख्स उसकी अपनी हालाते जिंदगी में यह बात भी देखते कि इस शख्स का कुव्वत हिफ़्ज जो है वो काम करता है या नहीं करता, हाफ़िज़ा इसका मजबूत है या नहीं है, हाफ़िज़ा अगर खराब है उसकी भी अकसाम बयान की कि किसी शख्स का हाफ़िज़ा पैदाइशी तौर पर कमजोर है या पहले ठीक था, जिंदगी में उसको कोई ऐसा गम लायक हुआ जिसका असर लेकर दिमाग के ऊपर उसका हफ्जा मुतगैर हो गया, पैदाइशी तौर पर अगर उसका हफ्जा खराब है उसको सैयुल हिफ्ज कहा, जिसका हादसा आफदा किसी हादसे की वजह से खराब हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्ने लहिया मिस्र के अंदर रहने वाला एक मुहद्दिस और रावी है, इसके कुतुब खाने में आग लग गई थी, किताबें सारी जल गईं, किताबों का दुख और सदमा इतना ज्यादा हुआ कि उसका हाफ़िज़ा बदल गया।
बात याद नहीं रहती थी। फिर यह भी लिखा मुहद्दिसीन ने, जब हाफजा बिगड़ा तो जिस वक्त हाफजा बिगड़ा था उससे पहले का जो दौर है, पहले के दौर में कौन कौन सा बंदा इससे रिवायत करता है, हाफजा खराब हो जाने के बाद का जो दौर है उस दौर में कौन कौन से लोग इससे रिवायत करते हैं, बाकायदा ऐसे रावियों को मुंतखब करके उन पर भी मुस्तकिल किताबें लिखी। इसी तरह हाफजे के साथ फिर उसकी अदालत, वो मुत्तकी परहेजगार है या नहीं है, फासिक है फाजिर है, क्योंकि अल्लाह कहता है ईमान वालो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो छान फटक कर लो, तो देखते थे फासिक है या नहीं है, बदअमल है या नहीं है, अगर बिदती है तो वो किसी बड़ी बिदत का मुर्तकिब है जो इस्लाम से खारिज करती है, या छोटी बिदत का मुर्तकिब है। और बिदती रावी रिवायत बयान कर रहा है, उसकी बयान करदा रिवायत उसकी बिदत की ताईद करती है या नहीं करती, तो उसके मुतल्लक भी पूरी तफसील के साथ लिखा। फिर ऐसे ही रावियों के हवाले से इन्होंने सफर कहां कहां किया, हम किसी एक ही शहर में बैठकर पढ़ते रहे हैं या अपने शहर से निकलकर बाकी जो दूसरे मुल्क और शहर हैं वहां के भी सफर किए हैं या नहीं किए, सफर किए हैं तो कहां कहां के किए हैं, और उन असफार में किन किन उस्तादों से जाकर मिले और उनसे कौन कौन सी रिवायात ली, ये भी बकायदा इमा हदीस ने जब्त किया। और फिर ये भी लिखा कि अपने उस्ताद से जब ये हदीस सुनते हैं आगे बयान करने में इनका अंदाज और तरीका क्या होता, किन लफ्जों से वो आगे हदीस को रिवायत करते हैं, लफ्ज ऐसे बयान करते हैं जिनमें सुनने की वजाहत है, जैसे समय तो मैंने सुना, हद्दसाना अखबाराना, या ऐसे लफ्ज बोलते हैं जिसमें सुनने और ना सुनने दोनों का माना पाया जाता है। तो एक एक चीज को लिखा और कुत इल्मे रिजाल वजूद में आ गया, इसको कहते हैं इल्म रिजाल, रावियों के हालात उनकी जिंदगी परखना कि ये रावी किस दर्जे का है, किससे रिवायत करता है, काबिले एतमाद है या नहीं है। मैं इसके एक मिसाल आपको देता हूं, सही मुस्लिम में शुरू में जो मुकदमा है सही मुस्लिम का, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकदमा में एक रिवायत लाए, अबू इसहाक इब्राहिम बिन ईसा अत्तालिकानी, इब्राहिम बिन ईसा अबू इसहाक अत्तालिकानी एक सिका मुहद्दिस है, वो कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से कहा, या अबा अब्दुर्रहमान अल हदीस अल्लज़ी जाआ, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये कुनियत है अब्दुल्लाह बिन मुबारक की, ए अबू अब्दुर्रहमान उस हदीस के बारे में क्या कहते हो जो यूं वारिद हुई है, इन्ना मिनल बिर्रे बादल बिर्रे अंतुसल्लिया ले अबावई का मा सलाते का व तसूमो लाहुमा मा सौमे का। कहते एक हदीस आई है कि नेकियों के बाद सबसे बड़ी नेकी यह है कि जब तू अपनी नमाज पढ़े ना तो अपनी नमाज के साथ अपने मां बाप की तरफ से भी एक नमाज पढ़, अपना रोजा रखे तो रोजा रखने के साथ मां बाप की तरफ से भी रोजा रख। तो ये जब उसने कहा ना ये हदीस है तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक क्या फरमाते हैं, कहते हैं या अबा इसहाक अम्मन हाजा, ए अबू इसहाक तू ये बता अम्मन हाजा, ये हदीस कैसे तूने रिवायत की है। कहने के हाजा मिन हदीसे शिहाब इब्ने खिराश, ये हदीस शिहाब बिन खिराश मुहद्दिस ने बयान की। फकाल सिका तुन, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते शिहाब सिका है, लेकिन ये बता अम्मन शिहाब ने किससे ली है, तो कहने लगा हज्जाज बिन दीनार से, कहने लगे वो भी सिका है, और हज्जाज बिन दीनार ने कैसे सुना, कहने हज्जाज कहता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो हज्जाज चूंकि तबा ताबी था, अब तबा ताबी की मुलाकात तो अल्लाह के रसूल से नहीं है, तो इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं इन्ना बैन अल हज्जाज इब्ने दीनार व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफावेज़ो,
حجاج بن دینار اور نبی پاک کے درمیان تو اتنے واسطے ہیں، چٹیل زمینیں ہیں کہ کوئی سوار اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر سفر طے کرنا شروع کر دے، سواری کی گردن کٹ دے، سفر ختم نہ ہو۔ کہاں تبا تابی اور کہاں اللہ کے رسول، یہ بیچ والے واسطے کدھر ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ روایت بالکل درست نہیں ہو سکتی۔ ہاں صدقہ جو ہے وہ میت کی طرف سے بالاتفاق کیا جا سکتا ہے، نیکی کرنی ہے تو میت کی طرف صدقہ کر، یہ نہیں ہے کہ میت کے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لیے روزے رکھے۔ تو اس روایت کے سماع پر عبداللہ بن مبارک نے سبق یہ دے دیا، جو بندہ آ کر روایت بیان کرتا ہے اس سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بیان کرنے والے بیچ میں واسطے ہیں، سارے قابل اعتماد ہوں۔ اور یہ بڑی ایسی عظیم خدمت ہے ائمہ حدیث کی کہ علم الرجال کو معین کیا، کتابیں لکھی اس کے اوپر اور ایک ایک راوی کے حالات ضبط کیے تاکہ روایت بیان کرنے والا جب بیان کرے تو اس کی تحقیق کی جا سکے کہ واقعہ ہی قابل اعتماد واسطوں کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کے بعد جن کتابوں کا نام لیا جاتا ہے، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم، اس لیے کہ بخاری اور مسلم نے اہتمام کیا اس چیز کا کہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان جتنے واسطے آئیں سارے صحیح اور قابل اعتماد ہوں۔ تو محدثین کی خدمات میں سے یہ دو بڑی خدمات ہیں جن کی طرف میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ ایک تو حدیث کو محفوظ کیا، اور دو طریقوں سے، سن کر بھی اور لکھ کر بھی، اور دوسرا حدیث بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں تو راویان حدیث کے حالات زندگی بھی مرتب کیے، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین محدثین کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.